इन्वेस्टिगेशन जहाँ से शुरू हुआ था वो तो अभी भी वहीं पे अटका है। नो सर, एक सुराग मिला है सर। इन सारे मर्डर्स में एक कॉमन बात तो है, जो भी मरा है वो किसी न किसी तरह से औरतों पे अत्याचार और जुल्म करता रहा है। कुछ लोगों पे तो केस फाइल भी नहीं हुआ है, कुछ लोग अदालत में सबूत और गवाह के ना होते हुए बेल ले चुके हैं। सर, केस फाइल ना होने के बावजूद ऐसे कांड के बारे में सब कुछ पता चलता है तो बस दरबार हॉल में। दरबार हॉल में? यस, बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाने से घबराते हैं, वो बड़े लोग और गुंडों से भी घबराते हैं, लेकिन वहीं पे जाकर न्याय की गुहार लगाते हैं। उनकी डिटेल्स पर केस को हैंडल किया जाता है, बट फोटो या फिर उसका नाम पता ही नहीं चलता। इसे 2 साल पहले शुरू किया था ACP शंकर पांडे ने। मुझे एक कंप्लेंट देनी थी। बोलिए मैडम। मुझे एक शख्स रोज फोन करके हैरिश कर रहा है, गंदी गंदी बातें करता है। जो भी कंप्लेंट करनी है आप इस पे लिख दीजिए। ठीक है। ये कंप्लेंट फाइल में ही सड़ती रहेंगी या फिर क्लियर हो जाएंगी? 24 घंटे में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतनी गारंटी के साथ? जी हाँ बिल्कुल, आग से तेज होती है हवा, हवा से तेज होती है बोली, बोली से तेज होती है बुद्धि, और हमारे साहब तो इन सभी से तेज है मैडम। व्हाट मिस्टर कृष्णा? सर अंदर करीब 7-8 लोग बैठे हैं, सभी के पास हर तरह के वेपन्स है सर। भागिया जी के कत्ल के केस में तुम सबको अरेस्ट करने आया हूँ। ए, अंदर तो आ गया, बाहर कैसे निकलेगा, सोच ले बेटे। सुन बेटे, जब माँ के पेट से बाहर आने के लिए मैंने डिसाइड किया था ना, तो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं रोका, साला डॉक्टर भी मुझे नहीं रोक पाया, तो ये मामूली सा अड्डा और तुझ जैसा गुंडा क्या रोक पाएगा? थो, चुपचाप चल रहे। ओए काके। ए, ए। क्या बात है? मैं शिल्पा हूँ, मेरी ही कंप्लेंट है। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का सोचा है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसे ही पेश आऊंगी, ये है आपके विचार? बचे खुचे कपड़े उतारने के लिए कॉन्टेस्ट अलग से होते हैं, सर पर ताज रखा जाता है। मेहरबानी करके आप जाइए, अगली बार कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको फोन पर इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं देख लूंगा। आप चलिए। कौन है जो मेरे छोकरे को अंदर कर रहा है? आप कौन साहब हैं? मिनिस्टर हूं और ये मेरा आदमी है, चुपचाप छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ूंगा। ए, तेरे पीछे महज 8 स्टेशन होंगे और मेरे पीछे 8 लाख लोग मौजूद है, समझे? कुत्ते या सुअरों के झुंड और हाथी में बहुत फर्क होता है, शायद आपको पता ही होगा। मुझे कुत्ता बोल रहा है तू? अगर मैं चाहूं तो अगले 10 मिनट में तेरे बदन से वर्दी उतरवा सकता हूं। इस उम्र में अगर हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ नहीं पाएगी, कोई डॉक्टर चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह सोच लो। शंकर पांडे इज एन एक्शन। इस देश में प्रजातंत्र है, यहाँ चलना चाहिए प्रजा का राज, लेकिन यहाँ चलता है गुंडों का राज, इसीलिए मैं चलाता हूँ पुलिस का राज। जीने की इच्छा है तो बदल जाओ या भाग जाओ, दोनों नहीं कर सकते तो जान से जाओ। वेरी गुड, तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। कॉलेज की तरफ से तुम्हें हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। Hi, I'm Ashwini. Miss India contest शुरू होने के लिए अभी 1 महीना है, so we are all here to train you. But payments वगैरह, it's all been taken care of.
हाय हाय आई एम शिल्पा शक्लेचा गोवर्धन शक्लेचा मॉम शी इज शिल्पा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए चुनी गई है आई वांट टू हेल्प हर ऑन फाइनेंस साइड हेल्प करना चाहते हो या हेल्प कर चुके हो ऑलरेडी आई डिड व्हेन यू इन्वेस्ट इन समथिंग यू गेट बैक समथिंग दैट्स बिजनेस गॉट इट लुक तुम मेरी एक दिन की रानी बनोगे तो आगे भारत की रानी बनोगे आई मीन मिस इंडिया यू स्लैप्ड मी नॉट यू ओनली अगर इसी तरह बिहेव किया ना तो तुम्हारे डैड को भी मारूंगी अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर हाथ ही उठाया है फिर से कहा ना तो सैंडल टूटते तक तुम्हारे मुंह पर मारती रहूंगी hey, तो उस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट तक कैसे पहुंचेगी मैं भी देखता हूँ आज के बाद से इसे ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा यू जस्ट गेट आउट ऑफ हियर आउट हेलो क्यों ब्यूटी क्वीन कैसी चल रही है तुम्हारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ क्यों गुड वेरी गुड मिस इंडिया के अंदर भी कोई मदर टेरेसा छुपी है मुझे अब पता चला गॉड ब्लेस यू हाय हाय कॉफी नो थैंक्स गुड आप शिल्पा के बारे में क्या कहेंगे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जीतेगी या नहीं शी इज क्वाइट प्रॉमिसिंग बट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कर देंगे पर कौन पांडे सर ने बताया उस लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए काफी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं हम एक बार इनसे मिलना चाहेंगे सो दैट वी कैन डिसाइड नाउ इटसेल्फ फाइन यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी सफलता में जिनका हाथ है वो है अश्विनी जी और एसीपी शंकर पांडे गुरु ये तालियां सुन रहे हो तुम्हारा सपोर्ट मिले ना मिले वो तो मिस इंडिया बनकर ही रहेगी तेरा बलात्कार करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन मुझे तो तुझे लूटने से ज्यादा तुझे हारते हुए देखना पसंद है तुझे अगर पतंग की तरह उड़ना है और तू चाहती है कि लोग तुझे देखें तो इस कहानी का लेखक मैं और कलाकार तू ए निकल जा एक मिनट अगले एक घंटे में अपने आने का डेट और टाइम मुझे बता दे नहीं बताई तो मैं खुद आऊंगा और आ गया तो तू अच्छी तरह जानती है माइंड इट तो एसीपी साहब यहां तक आ गए पुलिस स्टेशन चलोगे तो शिल्पा नाम की लड़की तेरी औकात के बारे में सब कुछ बता देगी चल बेटे चलते हैं व्हाट हैपेंड हर बार मैं नहीं बता सकता पुलिस स्टेशन चलो वहीं बताऊंगा नो no. चुपचाप चलोगे तो इज्जत बची रहेगी नाटक करोगे ना तो कपड़े उतार के खींच के ले जाऊंगा ये मिडिल क्लास और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ही बहुत डेंजरस होते हैं जी सर माय वाइफ नमस्ते जी और आपके बच्चे अब वो जरूरी है क्या अब तुम यहां क्या कर रही हो लो क्लास वालों को पैसे देकर चुप करा सकते हैं
हाई क्लास वाले तो इसे बहुत कॉमन समझते हैं। ये मिडिल क्लास के लोग हैं ना, यही लोग आबरू इज्जत की बात करते हैं। देखिए, पूरी सोसाइटी में वकीलों से नफरत करने वाली बस एक ही कौम मौजूद है, पुलिस। आप बताइए क्या करें हम, कुछ तो कीजिए। इकलौता बेटा, क्या हुआ, पूरी टोली के साथ आए हो? बेल के कागजात भी साथ लाए होगे, सड़क छाप कुत्ते को छुड़वाने के लिए। मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आई एम सॉरी, गले में सकलेचा नाम का बिल्ला जो पहना था, इसीलिए मैं उसको कुत्ता समझ बैठा। वो तो ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है? ये क्या वकील साहब, आप तो बिल्कुल अनजान से बन रहे हैं। इसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है, इसे धमकाया गया है, मेंटली हरास किया गया है। ओ, एक साथ तीन तीन केस। अटेम्प्ट का केस किस लिए? रेप हो गया, यही केस डाल दो ना, सर्टिफिकेट मैं दिला दूंगा। क्या बात है, बेटी की जान से ज्यादा ड्यूटी प्यारी हो गई? मैं क्या करूं सर। देयर इज अ प्रॉब्लम, अ पार्टिसिपेंट ऑफ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट शुड बी वर्जिन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्जिन? कुमारी, जिसकी इज्जत नहीं गई है वो कन्या। वैसे रैंप पे चलने वाली हर लड़की को पता होता है वो क्वालिफाई नहीं होगी। खेल खत्म हुआ एसीपी साहब, हमारे लड़के को तुरंत छोड़ दो, देर करोगे तो मीडिया वाले आ जाएंगे। सर, सकलेचा जी के बेटे को आप क्यों लाए थे? एक मासूम लड़की के रेप अटेम्प्ट करने के जुर्म में। तो फिर छोड़ क्यों दिया? उन्होंने साबित कर दिया कि वो लड़का मर्द नहीं है, साथ में डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाए थे। घर पर होता तो साड़ी पहनता, पुलिस स्टेशन आया इसलिए पैंट पहन के आया है बेचारा। सर, एसीपी साहब ने जो कहा वो सच है? 16 आने सच है। अगर वाकई में मर्द होता तो सामने जो साहब खड़े हैं वो हमारी छुट्टी कर देते, समझौते के लिए दोनों को साथ लेकर नहीं आते ये। ए, वकीलों को तुम नहीं समझते, पुलिस वालों को तुम नहीं समझ सकते। तुम लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हो। कानून की किताब पढ़कर झूठी कहानियां रचने में बहुत माहिर हो। हम लोग बिजली से भी फास्ट हैं। हम लोग सोच से भी फास्ट हैं। इंसाफ की आग में सबूत नाम की आंधी को मिलाकर जला देते हैं हम लोग। उसी आग पर सच्चाई का पानी डालकर उसे बुझाते हैं हम लोग। चप्पल संभालेगी? मिस इंडिया बनेगी तू? बनाता हूँ तुझे। ओह नो! बताइए क्या है? एसिड। नो, नो, प्लीज छोड़ दो। शिल्पा अब इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकती। वो क्यों? उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। सकलेचा, कहाँ है तेरा बेटा? शिल्पा नाम की लड़की पर तेजाब फेंककर गायब हो गया है। इम्पॉसिबल, मेरा बेटा तो शहर में है ही नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बच्चे इज्जत उछालते हैं और इज्जत उछालने वाला तेरा बेटा भाग जाने या छुपने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ढूंढकर रास्ते पे कुत्ते की तरह मारूंगा। पकड़ा गया तो कानून उसे मारेगा, लेकिन उसका मारा जाना तो तय है। एसीपी, अभी तक मैं चुप बैठा था, अब बोलता हूँ, सुन लो। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई नो, आई विल प्रूव इट। इसी को तो मैं असली मर्दों वाला चैलेंज कहता हूँ। अब तू जितने वकील बुला सकता है बुला ले, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा। एक बात तो तय है, अपनी इस जंग में तेरी मर्द होने की गलत फहमी अगर दूर ना कर दी तो मेरा नाम शंकर, शंकर पांडे नहीं है। अगर तू क्रिमिनल्स को बचाने वाला ठेकेदार और उनका बाप कहलाता है तो मैं उन्हें मारने वाला हूँ। एक बाप की औलाद। 2438777 स्पॉट टैक्सी, आई हैव गिवन हिम द नंबर। अश्विनी मैडम, इस केस में शिल्पा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हैं। इस केस को फाइल करने से पहले आप सोच लीजिए वेदर यू वांट टू फाइट और क्विट। सपना देखना भी मुश्किल है, और वो सपना जब अधूरा रह जाता है तब जो बीतती है ना, तब और भी मुश्किल होता है। जब रेप अटेम्प्ट हुआ था तभी वो स्टेप लेना चाहिए था। बहता हुआ पसीना, ये छूटती हुई सांसें, तुम्हारे चेहरे पर हार का डर साफ झलक रहा है।
जब रघुनाथ राय केस लेता है तो जजमेंट मुझसे पहले लिखवा के आर्गुमेंट बाद में सुनते रहते हैं सारे जजेस। कोर्ट में उसके आर्गुमेंट सुनता हूँ तो आपकी हार के साथ ही मेरे बेटे की मौत भी निश्चित लग रही है। नो, इस रॉय के क्लाइंट को बचाने के लिए आईपीसी सेक्शन की लूप होल्स की जरूरत नहीं। इस लॉ बुक में जहां कीड़े ने काटा है ये दरार काफी है। फिर भी गवाही देने वाला का मुंह बंद करके इंसाफ के लिए लड़ रही इंसाफ की देवी की तरह उनकी भी आंखें बंद करवानी थी। मतलब कत्ल? हेलो, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन सर, सुल्तानपुर में कुछ गड़बड़ हो गई है सर। आप कुछ लोगों को लेकर जाइए। यस सर। आपके पास वॉकी सॉरी मोबाइल तो है ना? है सर। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल कीजिए। ओके सर। जाइए। सर, जेली के रूम पे अटैक होने वाला है। घर आया मेरा परदेसी। ओ, तो आ गए आप लोग। आपका ही इंतजार था। कुछ पैसे दोगे तो शहर के गली गली में ऐसे खिलौने मिल जाते हैं कुत्तों, लेकिन उससे खेलने की मर्दानगी तो मर्द लेकर पैदा होता है। सारे गवाहों और सबूतों के बिना पर गोवर्धन सकलेचा और उसके दोस्तों पर लगे सारे इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है, यह साबित हुआ है। तू मारेगा तो उम्र कैद की सजा मिलेगी और मैंने मारा तो सिर्फ 15 दिन के लिए सस्पेंड होऊंगा। सर, हमने कुछ और कितनी लड़कियों का रेप करना चाहते हो और कितनी लड़कियों पर तेजाब फेंकना चाहते हो तो ये बात अदालत में बोलोगे? अदालत बंद होने से पहले जाके केस ओपन करवा दो। प्रेम रुको, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। रुके तो एनकाउंटर कर दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अदालत बंद हो जाएगी। यही तो मैं चाहता था बेटे। अप्रूवर को तुमने गोली मार दी है। मैं आया तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तूने पुलिस ऑफिसर को ही शूट करने की कोशिश की है और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए अभी तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। देखो देखो, ऐसा नहीं करना। होल्ड द गन, कम ऑन, होल्ड द गन आई से। सर, शूट कर दो कमीने को। रुक जा, मेरे डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज शहर में तेजाब फेंककर औरतों का जीना हराम करने वाले यही लोग हैं। एक भी साला बचना नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, अभी लाके दूंगा। न जाने कितनी औरतों का इन जैसों ने बलात्कार करके उन पर तेजाब फेंककर मार डाला है। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को गवा कर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं इनकी वजह से। ये जिंदा रहेंगे तो न जाने कितनी औरतों का जीवन नरक बन जाएगा। शूट हिम मैन। गुड शॉट। आप जैसे लोगों को स्टेशन के बाहर नहीं होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। सर, अब आगे? शंकर पांडे इज रेडी फॉर इंक्वायरी कमीशन। सर, आपकी नजर में जो सही है वो कानून के नजर में गलत है ना? बताइए। कानून तो एक ढांचा है, उसमें जान डालने के लिए इंसानियत चाहिए, वही मैंने किया है। इसीलिए आप जानवर बन गए? नहीं, जानवर को मारने के लिए जानवर बना क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आपने गलती नहीं की है? नहीं जानता। फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? प्रजातंत्र में प्रजा का फैसला सबसे बड़ा होता है। उन्होंने चाहा तो छूट जाऊंगा और दिल में बसा के रखा तो महान बन जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।